खबर मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यहां चुनावी रंजिश के चलते अज्ञात बदमाशों ने रमजानी नाम के प्रॉपर्टी डीलर की दिल्ली लखनऊ हाईवे NH9 हाईवे पर उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब वह एक रिश्तेदार के घर से वापस अपने घर लौट रहा था। रमजानी के जिस वक्त गोली मारी गई उस वक्त उसके साथ उसका 12 साल का भतीजा भी था। 6 से 7 की संख्या में घात लगाए बैठे बदमाशों ने रमजानी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और आराम से फरार हो गए। दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रमजानी को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस तहरीर मिलने के बाद मामला दर्ज कर कार्यवाही करने की बात कह रही है। चुनावी रंजिश को लेकर रमजानी के भाई हनीफ की भी कुछ महीने पहले गोली मारकर दबंगों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद आज रमजानी की हत्या से पूरे परिवार में खौफ पैदा हो गया। दो दो हत्या के बाद परिजन इतने ज्यादा खौफ में हैं कि वह आरोपियों का नाम भी बताने से डर रहे हैं। तो वहीं पुलिस भी तहरीर मिलने के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। लेकिन दो दो हत्या से एक बात तो साफ है कि अपराधियों के दिलों में अब पुलिस का खौफ कम होता जा रहा है। साकिर, ये किस तरह से गोली मारी, क्या था? वो ये कहीं से रिश्तेदारी में से आ रहे थे, ये थे और इनका भतीजा था। अच्छा। तो रास्ते में वो बता रहा था, लड़के 6-7 लोग थे और उन्होंने बाइक पे थे वो भी, और उन्होंने गोली मार दी इनके 0 पॉइंट के पास बता रहा। फिर वहाँ की पुलिस इन्हें अस्पताल लेकर आई है और जब यहाँ पर आए तो मृत थे ये। क्या कारोबार था इनका? ये किसानी भी करते थे और जमीनों का कारोबार भी था। जी। तो इससे पहले भी इनका भाई का कोई मर्डर वगैरह? हाँ, दिवाली वाले दिन हनीफ थे, हनीफ पहलवान, उनका मर्डर हुआ था। तो कोई रंजीत चल रही थी क्या? वो रंजीत का तो हमें नहीं पता खैर क्या थी, फिलहाल उनका मर्डर हुआ था। अब जो के मतलब के बच्चा जो बता रहा है और दरोगा जो बच्चा बता रहा है, कौन कर वो घबरा हुआ है बच्चा, वो बता ना पा रहा है ठीक से। वो थोड़ा सुकून से हो जाएगा तो बता पाएगा। तो रंजिश तो खैर हम तो रिश्तेदार हैं, वो तो इन्हीं के भाई या यही बता पाएंगे। शाकिर, ये आज थाना कटघर 0 पॉइंट के पास एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तुरंत पुलिस बल पहुंची थी और इस व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई है। अभी इस संबंध में प्रकरण में पूरी जानकारी की जा रही है और बताया जा रहा है, जो अभी तक पता है कि इनकी कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते ये हत्याकारी की गई। इसमें साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जो तहरीर प्राप्त होगी और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी।